हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज जो है हम लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर मैंने आपको मैनेजरियल प्रोसीजर और ऑपरेशनल प्रोसीजर करा दिया था अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर अब इसमें क्या होता है जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गनाइजेशनस होती हैं वो क्या करती हैं अपना जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड कर देती हैं ठीक है पर्सनल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट यानी अलग अलग तरीके के वो डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेती हैं कि जो वो लेबर कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स या जो प्रोसीजर को वो जो इम्प्लीमेंट करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम जो है वो कर सके सो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है इस डिपार्टमेंट को जो है वर्क असाइन किया जाता है कि वो रिक्रूटमेंट का वर्क करें और प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स का वर्क करें उनको ट्रेनिंग दें और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें ठीक है ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि इम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम होगा वो किसके पास होगा पर्सनल डिपार्टमेंट के पास उसके बाद आता है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है जैसे कि जो है प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन uh, को प्लान करता है और जो जॉब के लिए जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी उनको बनाएगा उनको प्लान करेगा ये काम करेगा उसके बाद उनको सुपरवाइज़ करेगा कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किस तरह से हो रही हैं टाइम एंड मोशन स्टडी करेगा जॉब एनालिसिस करेगा जॉब एवोल्यूशन का काम करेगा ये जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है पहला करता है प्लानिंग एंड मेकिंग स्पेसिफिकेशनस ऑफ ईच जॉब फिर सुपरवाइज़ करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को टाइम और मोशन स्टडीज़ करता है और जॉब एनालिसिस और जॉब एवोल्यूशन करता है उसके बाद टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ये देखेगा कि जो भी रिकॉर्ड्स जो है मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बनाएगा यहाँ पर जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे एम्प्लॉयज़ के इसका सबसे पहला प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है या आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स रखे अपने एम्प्लॉयज़ के और एक्चुअल टाइम कितना उन्होंने स्पेंड किया है वेरियस जॉब पर उसको भी वहाँ पर रिकॉर्ड करे अटेंडेंस रिकॉर्ड करे साथ ही साथ एक्चुअल टाइम जो भी एक पर्सन ने लगाया है अपनी जॉब को कम्प्लीट करने के लिए वो वाला टाइम भी बताए ठीक है फिर आता है पेरोल डिपार्टमेंट पेरोल डिपार्टमेंट क्या करता है ये जो है प्रिपेयर करता है पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ की पेरोल को जो है प्रिपेयर करता है प्रॉपर डिबर्समेंट ऑफ सैलरी यहाँ पर ये बताता है कि ये काम किसने कितना काम किया उसके हिसाब से उसको सैलरी और वेजेस जो है प्रॉपर प्रोवाइड कराता है फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये जो डिपार्टमेंट होता है ये सारे के सारे जितने भी अलग अलग कॉस्ट के जो टाइप हैं उनको कलेक्ट करेगा और जो कि किससे रिलेटेड होंगे लेबर कॉस्ट से रिलेटेड होंगे उनको भी कनेक्ट कलेक्ट uh, करेगा उनको एनालाइज़ करेगा एलोकेट करेगा हर एक जॉब पर प्रोसेस पर डिपार्टमेंट्स पर सब इसका जो सारा काम होता है वो ये होता है कि ये देखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट पर किस तरह की जो है आ, किस तरह का लेबर की कॉस्ट लगी हुई है ठीक है उसके बाद है सिस्टम ऑफ लेबर कंट्रोल अब लेबर कंट्रोल का क्या सिस्टम होता है लेबर जो है सबसे ज़्यादा एक मेन पार्ट होता है टोटल प्रोडक्ट का जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका एक टोटल और मेजर पार्ट होता है जो कि लेबर जो है होल्ड करके रखता है लेबर कॉस्ट जो है अननेसेसरी भी हो सकती है क्यों हो सकती है कई बार लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है क्यों क्योंकि या तो वेस्टेज टाइम हो रहा है लेबर के द्वारा पुअर सुपरविजन है ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो वेस्टेज वगैरह हो जाती है तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है पुअर सुपरविज़न है इनफिशेंसी है लेबर की क्योंकि उनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड ना की गई हो या उनको काम का ना आता हो ठीक है अनफेवरेबल एटमोसफेयर एटमोसफेयर अच्छा ना हो हाई लेबर टर्न है आइडल टाइम ज़्यादा है ठीक है जैसे आइडल टाइम में ना दो तीन बातें आती हैं जब हम आइडल टाइम की बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम करेंगे कि क्या क्या टास्क ऑफ़ लेबर कॉस्ट कंट्रोल जब भी लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है अब क्या होता है कि अब हमें लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है उसको रिड्यूस करना है क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं लेबर कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं तो जब भी हमें लेबर कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है तो हम कुछ एफर्ट्स डालते हैं जो कंपनी है वो एफर्ट्स डालेगी और एफर्ट्स क्या क्या डालेगी इन डिपार्टमेंट को काम देगी ठीक है पर्सनल डिपार्टमेंट है टाइम एंड मोशन स्टडी डिपार्टमेंट है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है पेरोल डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं लेबर को कंट्रोल करने के लिए यानी लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे काम करेंगे ये क्या करेगा ये क्या करेगा हमने अभी पढ़ लिया ऊपर ठीक है ये सारे के सारे डिपार्टमेंट हेल्प है। करते हैं उसके बाद है अब ये जो है क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे और किस तरह से इनको कंट्रोल करेंगे लेबर की कॉस्ट को तो सबसे पहले वो क्या करेंगे अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे और जिसको आप मस्टर रोल्स भी बोल सकते हैं अब अटेंडेंस रजिस्टर्स बनाना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए जिसमें लिखा जाएगा कि अटेंडेंस क्या है वर्कर की यानी यहाँ पर वर्कर की अटेंडेंस लिखी जाएगी बाई साइनिंग ऑन अराइवल जब वो पहुँचा जब वो डिपार्चर पर आया ठीक है डिपार्चर यानी उस डिपार्टमेंट पर आया वो भी नोट डाउन की जाएगी वो टाइमिंग उसके बाद दोनों के दोनों केसेस की टाइमिंग उन्होंने नोट कर ली फिर वेयर द वर्कर्स आर इिटरेट अगर वर्कर्स इलिटरेट हैं तो उनकी जो प्रेजेंस है वो रिकॉर्ड की जाएगी ऑफिस में ठीक है अगर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो स्मॉल हैं देखो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स स्मॉल हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्टर बनाया जाएगा पूरी की पूरी होल फैक्ट्री के लिए या फिर एक ना कि डिपार्टमेंट वाइज ठीक है लेकिन अगर जो है लार्ज है ऑर्गेनाइजेशन तो एक रजिस्टर अलग अलग बनाया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए और इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ऑटोग्राफिक टाइम रजिस्टर को भी प्रिपेयर करते हैं इन विच इसमें क्या होता है बाई पुलिंग द लीवर द करेक्ट टाइम इज स्टैम्प्ड स्टेम्प अपोजिट टू द सिग्नेचर ऑफ द वर्कमैन यहाँ पर जब आप उसको ये जो है एक तरीके से टाइम से जुड़ी हुई एक रजिस्टर है जहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आप इसको पुल करते हैं तो जो भी एक्चुअल टाइम होता है करेक्ट टाइम जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर सिग्नेचर किए हैं वर्कमैन के उसके अपोजिट साइड पर ठीक है एनी वे दिस सिस्टम रिक्वायर्स मच ऑफ द क्लैरिकल वर्क विथ चांसेज ऑफ़ मिस्टेक स्क्रिपिंग इन इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा क्लैरिकल वर्क होता है पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मिस्टेक हो सकती है मिस्टेक होने के चांसेज हैं उसके बाद है डिस्क और टोकन मैथड अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है डिस्क और टोकन जो हैं वो रखे जाते हैं और इनको जो है सीरियल ऑर्डर में जो है गेट के बाहर टांग दिया जाता है या एक बोर्ड पर टांग दिया जाता है और हर एक वर्कर के लिए अलग अलग होता है और उस पर नंबर लिखा हुआ होता है कि टोकन का क्या नंबर है और ये जो बोर्ड है फिर फैक्ट्री गेट पर लगा दिया जाता है टोकन के साथ ही और साथ ही साथ यहाँ पर ऑन अलोंग विद एनअदर बोर्ड्स ऑफ सेम टाइप बट एम्पटी विदाउट टोकन्स और एक ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है जहाँ पर टोकन्स ना हो ठीक है फिर जैसे जैसे जो वर्कर हैं एंटर करेंगे फैक्ट्री गेट में वो अपना अपना टोकन उठाते जाएंगे फर्स्ट बोर्ड के जो भी फर्स्ट बोर्ड होगा उस पर से और वो जो है दूसरे बोर्ड पर रखते जाएंगे इससे क्या होगा उनके जो दूसरे बोर्ड पर रखा जाएगा तो उनकी वहाँ पर एक अटेंडेंस उस वजह से अटेंडेंस जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो लिखी जाएगी वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी और जो सेकंड बोर्ड है उसको रिमूव कर लिया जाएगा उसी टाइम जैसे ही आफ्टर द फिक्स टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फैक्ट्रीज ओवर जैसे अगर नौ पंद्रह तक फैक्ट्री का गेट रखा हुआ है या साढ़े नौ तक है कि साढ़े नौ तक सबको आ जाना है अगर वो पर्सन आ जाता है सारे पर्सनस आ जाते हैं तो उस टाइम पे फटाफट से उस फैक्ट्री के जो सेकंड वाला जो बोर्ड टांगा गया था हंग तो उसको जो है निकाल लेंगे और ले जाकर उसमें से जो भी पर्सनस होंगे उनका नाम लिख लेंगे उनकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे और जो भी लेट आएगा उनका जो नाम है वो लेट बॉक्स में लिख दिया जाएगा ठीक है और जो टोकन वहाँ पर रह गए फर्स्ट बोर्ड में उस टोकन के नाम पर एबसेंटिस डाल दी जाएगी और जब भी फैक्ट्री का गेट क्लोज होगा तो वर्कर्स जब जाएंगे तो जो टोकन्स होंगे उस दिन पर जो भी टांगे गए थे उसको क्लोजिंग के टाइम पर भी जो है वो वापस से दोबारा फर्स्ट गेट पर या जो आप कह सकते हो फर्स्ट बोर्ड पर टांग के चले जाएंगे ठीक है इससे क्या होता है कि इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर भी आसान रहता है जो आएगा वो अपना दूसरा बोर्ड पर टाँग के चला जाएगा बोर्ड पर लगा जाएगा अपना टोकन और उससे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी और जो वहाँ फर्स्ट बोर्ड पर बच गए उनसे उनकी एबसेंटीस लग जाएगी और बाकी जो लेट आएंगे उनके लेट बॉक्स में डाल दिए जाएंगे फिर नेक्स्ट जो मेथड है आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो सिस्टम है रिकॉर्ड करने का वो क्या है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड अब इसमें क्या होता है जो भी टाइम होती है कि किस टाइम पर उसने एंट्री करी है किस टाइम पर वो डिपार्चर में आया है वर्क करने के लिए वर्कर तो उनको क्या कर दिया जाता है एक वर्कर कार्ड अलॉट कर दिया जाता है और उन वर्कर कार्ड पे जो है उनका नाम उनका जो है डिपार्टमेंट और उनका जो है नंबर लिखा हुआ होता है और उन पर दो कॉलम बनाए हुए होते हैं एक बनाया होता है इन और आउट का ठीक है और ये जो है दो कॉलम ऐसे बनाए होते हैं एक मॉर्निंग आफ्टरनून भी लिखा हुआ होता है और साथ ही साथ इसमें ओवर टाइम का भी स्पेस दिया होता है और जब कर आएगा फैक्ट्री के अंदर वो गेट पर आएगा फैक्ट्री गेट पर तो वो क्या करेगा उस कार्ड को रखेगा और वहाँ पर टाइम लिखेगा कि उस प्लेस पर पहुँचते जब वो पहुँचा उस टाइम पर क्या टाइम हो रहा था और जब वो बाहर निकलेगा तब क्या टाइम होगा तो ये दोनों इस तरह से किए जाते हैं सिमिलर प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है जब इवनिंग के टाइम पर भी और जो क्लॉक रिकॉर्ड्स टाइम जो भी क्लॉक है वो टाइम को रिकॉर्ड जो है रेडिंग से करती है अगर वो लेट आया है तब ठीक है अदरवाइज़ जो टाइम रिकॉर्ड होता है वो नॉर्मली होता है और ये जो है टाइम और क्लॉक कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डे लिखा हुआ है वर्क का नंबर लिखा हुआ है उसका नेम उसका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है मॉर्निंग आफ्टरनून ओवर टाइम ठीक है यहाँ पर इन आउट इन आउट ओवर टाइम कितने घंटे का किया है ऑर्डिनरी कितना हो गया ये सब कुछ टोटल वगैरह करके जो भी अमाउंट होता है उसको दे दिया जाता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है आ, दो मेथड हैं टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड से एक डायल रिकॉर्डर इसमें क्या होता है एक टाइल होता है और डायल हैज़ अ नंबर ऑफ होल्स उस डायल में बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स होते हैं और हीच ओल्ड रिप्रेजेंट अ नंबर विच करस्पॉन्डिंग टू द टिकट नंबर ऑफ द वर्कर हर एक नंबर जो है जो भी टिकट नंबर होता है वर्कर का उसको दिखाता है शो करता है द डायल आर्म इज प्रेस्ड इन टू करस्पोंडिंग होल बाय द वर्कर एंड द टाइम इज़ रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली ऑन द रोल पेपर प्लेस्ड इन साइड द रिकॉर्डर अगेंस्ट द टिकट नंबर ऑफ वर्कर जब जो वर्कर है वो टिकट नंबर डालेगा तो उसके साथ साथ वो क्या होगा वहाँ पर उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा जब जब भी वो रोल रोल जो है वो प्लेस होगा ठीक है जब भी वो अपना टिकट नंबर डालता है तब टाइम रिकॉर्ड हो जाता है जब टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि वर्कर कितने टाइम पर आया है अब की रिकॉर्डर में क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी सेवल कीज़ होती हैं और ईच की जो है वही टिकट नंबर जो भी वर्कर को दिया गया है उसके नंबर से करस्पॉन्ड होंगे यानी वही नंबर्स होंगे और जब भी वो वहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा उस होल में तो वो गिवन टर्न एंड द टिकट नंबर वहाँ पर जो है आपको उस टिकट जो आपको नंबर मिला है उसको रखना है और वापस से वो मिल जाएगा आपको और वहाँ पर जो है टाइम फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी पेपर प्लेस किया गया था इनसाइड द रिकॉर्डर आपने जो भी पेपर वहाँ पर रखा उसके अंदर वहाँ पर जब भी आप उसको रखेंगे जैसे हम डेबिट कार्ड डालते हैं ना वैसे ही उस पेपर को आपने डालना होगा और पेपर जो है फिर वापस बाहर आ जाएगा और आपको जो है वहाँ पर टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो वर्कर किस टाइम पर वहाँ पर पहुँचा है यहाँ पर जो है केयर हैज टू बी टेकन टू सी डेट वर्कर डज नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर हिज एब्सेंट एजी फ्रेंड तो इसमें यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि आपका कोई एबसेंट फ्रेंड जो है उसका प्रॉक्सी यूज ना करे कोई भी वर्कर ठीक है यहाँ पर ये भी पता चल जाता है फिर आता है टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड द डे आर्स ऑफ वर्कमैन आर रिक्वायर्ड टू बी बुकड जो भी डे आर्स होंगे वर्कमैन के उनको जो है बुक कराना ज़रूरी होता है ठीक है कि कितने टाइम पर वो आया जॉब पर और उसने कितना टाइम उस जॉब पर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेंड किया है तो ये जो बुक है बनाई जाती है कॉस्टिंग प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके टाइम बुकिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पता लग सके कि क्या आइडियल टाइम है अब आइडियल टाइम क्या होता है कि जब आप फैक्ट्री गेट से यानी फैक्ट्री से आप अपने एक्चुअल वर्क पर जब आएंगे जो भी वर्क कर वहाँ तक पहुँचता है उस टाइम पीरियड में जो भी बचा हुआ टाइम हो जाता है उसको आप आइडियल टाइम बोलते हैं क्या था आइडियल टाइम आइडल टाइम ठीक है इसमें होता क्या है यहाँ पर फैक्ट्री गेट है ठीक है और वर्कर का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर है ठीक है जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है वो फैक्ट्री गेट पे यहाँ पर पहुँचा ठीक है यहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो जब तक यहाँ पर डिपार्टमेंट तक आएगा पैदल चल आएगा जैसे भी आएगा वो यहाँ पर जब आएगा डिपार्टमेंट तक तो उस टाइम पीरियड में भी उसमें भी उसने कोई पाँच मिनट या दस मिनट लगाए होंगे फाइव मिनट्स और टेन मिनट्स यहाँ तक डिपार्टमेंट तक आने में तो वो टाइम को हम क्या बोलते हैं आइडियल टाइम ठीक है ये टाइम भी एक वेस्टेड टाइम है जहाँ पर उसने आने में टाइम जो लगाया है उसको आप क्या बोलोगे आइडियल टाइम ठीक है और किस लिए किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जान सकें जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है और उसको आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली कितना स्पेंड किया है डायरेक्ट लेबर ने और उसके बाद द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स स्पेंट बाय इनडायरेक्ट वर्कर और इस इन द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उन्होंने कितना टाइम एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है तो वो कहाँ पर आता है फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ठीक है फिर यहाँ पर टू कैलकुलेट वेजेस वेजेस को कैलकुलेट करना इसका मेन काम है टाइम बुकिंग का या टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड का इससे क्या होता है वो ये देखते हैं कि किस तरह से वेज पेमेंट की जानी चाहिए यहाँ पर वेरियस सिस्टम को यूज़ किया जाता है वेज पेमेंट को चेकआउट करने के लिए Actual hours, कितने किए हैं workers ने उस काम को करने के लिए calculating wages और बोनस बन, तो ये देखेंगे कि कितना काम उसने किया है और हम उसको कितना wages पे करेंगे या कितना बोनस पे करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इसके बाद यहाँ पर जो है आ, लेबर एफिशेंसी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है और कंपेयर इट विद द बजट और स्टैंडर्ड सेटअप ये भी जानने के लिए कि लेबर की कितनी एफिशिएंसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरी बात यह कि आपका जो बजट है और आपका जो स्टैंडर्ड आपने सेटअप किया है उसको कंपेयर करने के लिए ठीक है जो भी नेचर्स और फॉर्म्स होते हैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर पे, किए जाते हैं टाइम बुकिंग के द्वारा वो अलग अलग होते हैं और क्यों अलग होते हैं क्योंकि ये जो है अलग अलग तरीके से डिपेंड होते हैं इनका साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होता है कि साइज़ कैसा ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज होगा तो कैसे प्रिपेयर होंगे स्मॉल साइज है तो कैसे प्रिपेयर होंगे जैसे अगर लार्ज साइज होगा तो इनको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट्स बनानी होंगी लेकिन अगर स्मॉल साइज होगा तो वो क्या करेंगे एक ही रजिस्टर को प्रिपेयर करेंगे फैक्ट्री सॉरी फैक्ट्री के लिए सो so, ऐसे ही मकानिजम अप्लाइड किस तरह का मकानिज्म जो है अप्लाई हो रहा है किस तरह की एक्यूरेसी वो चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को वो प्रिपेयर करते हैं और मेनली जो यहाँ पर टाइम बुकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं डेली टाइम शीट वीकली टाइम शीट और जॉब टिकट्स या जॉब कार्ड्स या पीस वर्क कार्ड्स ये बहुत uh, जो है मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है ठीके? तो पहला आता है आपके पास डेली टाइम शीट्स अब डेली टाइम शीट्स में क्या होता है अब इसमें जो है हर एक वर्कर को ये इशू की जाती है डेली टाइम शीट इसमें क्या होता है जितना भी वो टाइम स्पेंड करता है अपनी जॉब के लिए वो सारा का सारा वो डेली के डेली रिकॉर्ड करेगा और जो डेली रिकॉर्ड होता है ये डेली रिकॉर्ड वर्कर जो है अपने आप साइन करेगा उस रिकॉर्ड को ठीक है और सर्टिफाइड फॉर्मैन जो है वो एंड ऑफ द डे यानी हर दिन के बाद क्या करेगा जब शाम हो जाएगी तो वो उसको फोरमैन जो है अब उस वाले डेली टाइम शीट को साइन करेगा ये जो मेथड है सुटेबल होता है अगर कोई छोटा मोटा काम है स्मॉल वर्क है तभी सुटेबल होगा अगर लार्ज वर्क होगा तो फोरमैन के लिए भी सुटेबल नहीं है ठीक है और ना ही वर्कर के लिए सुटेबल होगा द डेली टाइम शीट कंटेन्स पार्टिकुलर्स अब इसमें क्या क्या पार्टिकुलर्स आते हैं वर्क ऑर्डर कि वर्क ऑर्डर उसको कितना मिला था वर्कर को और क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है ठीक है कितनी क्वांटिटी उसको एक दिन में प्रोड्यूस करनी है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क का मतलब है कि, कि किस तरह से उसको प्रोड्यूस करना है वो भी यहाँ पर लिखा होता है बताया होता है मेनली ठीक है टाइम स्पेंट ऑन जॉब कितना टाइम उसने जॉब पर स्पेंड किया है और रेट ऑफ पेमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी जो है रेट है पेमेंट का वो बताया जाता है और जो कॉस्ट होती है लेबर की एंड द कॉस्ट ऑफ़ लेबर ऑन द जॉब फॉर डैट डे उस दिन के लिए कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे जो है जॉब जो है, है वर्कर्स को दी जाती है और फ्रिक्वेंटली जहाँ पर वर्कर्स जो है डेली के डेली चेंज होते रहते हैं ठीक है इन द केस ऑफ़ रिपेयर्स एंड यहाँ पर जो है रिपेयर्स मेनटेनेंस डिपार्टमेंट के केस में ये ज़्यादा सही रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी जॉब जो है डे टू डे पर डे टू डे के टास्क पर डिपेंड होती है मेनली ठीक है अब डेली टाइम शीट का यहाँ पे फॉर्मेट है नेम है वर्कर का उसका क्लॉक टिकट नंबर है क्लॉक या फिर जो टिकट नंबर वो इशू करते हैं डेट वीक नंबर कॉल सेंटर की में किस में कॉल सेंटर में डिपार्टमेंट में वो काम करता है ठीक है मशीन नंबर की किस मशीन पर काम कर रहा है अगर किसी कॉल सेंटर या डिपार्टमेंट पर नहीं कर रहा तो कौन सी मशीन पर काम कर रहा है वर्क ऑर्डर उसको वर्क ऑर्डर कितना मिला डिस्क्रिप्शन बताई जाती है पर डन कितना वो काम कंप्लीट कर चुका है कितने टाइम में उसने स्टार्ट किया था और कितने टाइम पे फिर फिनिश हुआ है कितने घंटे उसने काम किया और, और कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट ऑफिस के हिसाब से कितना रेट मिलेगा आर के हिसाब से और कितना अमाउंट टोटल हो गया ठीक है ऑर्डनरी और, और कोई अगर ओवर टाइम किया है तो वो यहाँ पर वर्कर अपना साइन करेगा और यहाँ पर जो है कोई भी सर्टिफाइड फॉर्मेट जो है वो साइन कर कर देता है फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये एक मॉरल चेक होता है वर्कर का कि वर्कर ठीक से काम कर लेते हैं और उनको पता रहता है कि, आ, कि कितना काम उस उन्होंने किया है और टाइम जो है वेस्ट टाइम वेस्टेड जो होती है जॉब पर वो भी परफॉर्म नहीं होती और बिटवीन द टू जॉब्स परफॉर्म ड्यूरिंग द डे एज द टाइम वर्क टाइम्स टाइमिंग्स आर रिकॉर्डेड यहाँ पर अगर वो कोई दो जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है टाइमिंग्स रिकॉर्ड होती है तो किसी भी तरह की टाइम की वेस्टेज नहीं होती है वहाँ पर यहाँ पर जो है बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्टेज जो है अवॉइड किया जाता है ठीक है वेरिफिकेशन हो जाती है कि करेक्ट टाइमिंग क्या थी जॉब पर आने की और कितना कॉस्ट उसको किया गया है यहाँ पर फिर बाद में जो है फॉर्मैन भी उसको साइन कर देता है शीट को वर्कर की एफिशिएंसी भी जज हो जाती है डे टू डे की कितना उसने काम किया ठीक है इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो जाता है और वेयर ईच वर्कर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ टू एग्जीक्यूट वन शीट डेली हर एक वर्कर को हर एक दिन शीट मिलेगी तो इससे क्या होता है पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो है क्लैरिकल वर्क ऑल्सो भी यहाँ पर जो है क्लैरिकल वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अब डेली डेली तो फिर आपको शीट बनानी पड़ेगी फिर वर्कर को देनी पड़ेगी वर्कर फिर फिल करके देगा फिर फॉरमैन उसको साइन करेगा यानी थोड़ा प्रोसेसर जो है प्रोसीजर वाला काम हो जाता है ठीक है ये जो है तभी यूजफुल रहता है जब वर्कर जो है वो मूव करता है जॉब टू जॉब अगर वो जॉब टू जॉब मूव नहीं कर रहा तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता ठीक है अब आता है वीकली टाइम शीट्स ये डेली टाइम शीट की तरह ही इसमें सारी डिटेल्स होती हैं लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर डेज़ की जगह पूरे वीक का लिखा जाता है ये ऑल्सो वन शीट इज़ अलॉटेड टू ईच वर्कर हर हर एक वर्कर को एक शीट अलॉट कर दी जाती है और इसमें वही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं अदरवाइज़ अगर उनको जो है अगर सब कुछ एंटर करके नहीं दिया जाएगा शीट के अंदर ढंग से तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि वो जॉब टाइमिंग्स को ढंग से ना लिखें रिकॉर्ड ना करें ठीक है तो ढंग से सब कुछ लिखा हुआ दिया जाता है और जो वीकली टाइम शीट्स होती हैं वो जनरली जो है यूज़ की जाती हैं इंटरमीडेंट जॉब्स या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स के द्वारा ठीक है जैसे डेकोरेटर्स हो गए बिल्डर्स हो गए सिविल इंजीनियरिंग वर्क हो गया इन ये जो है ये ज़्यादातर वीकली टाइम शीट्स का यूज़ करते हैं जनरली अब इसका फॉर्मेट कैसा है वही नंबर ऑफ वर्कर्स है टिकट नंबर है डिपार्टमेंट है डेट है वीक एंडिंग वहाँ पर वीक नंबर था यहाँ पे वीक एंडिंग है ये बात ध्यान रखना ठीक है फिर आपका आता है जॉब नंबर डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब की डेज ऑफ वीक मंडे ट्यूसडे दे सारे डेज़ ऑफ वीक लिख दिए हैं टोटल आर्ट लिख दिए फॉर कॉस्ट ऑफिस यहाँ पर जो अमाउंट है रेट है और अमाउंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा उसके बाद है टोटल आर्ट यहाँ पर देखे जाते हैं ऑर्डनरी ओवर टाइम अटेंडेंस टाइम को भी देखा जाएगा आइडियल टाइम को भी देखा जाएगा फिर वर्कर भी साइन करेगा और यहाँ पर फोरमैन भी साइन करेगा ठीक है एडवांटेजेस क्या हैं ये जो है क्लैरिकल वर्क को थोड़ा सा कम कर देता है क्योंकि वीक की एक साथ इनको दे दी जाती है और इस शीट को एग्जामिन करने के बाद जो फॉर्मैन है अगर उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो वर्कर को देख सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम है वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है लेकिन अगर नहीं लगती तो वर्कर की जॉब जो है फॉर्मैन को पता होगा कि वर्कर क्या काम कर रहा है सारे डिपार्टमेंट में ठीक है और उसके बाद ये जो है यूज़फुल होती है इंटरमीडियट जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट पर्पजेस के लिए यहाँ पर जो एंट्रीज है रिगार्डिंग टाइमिंग्स वो एक्यूरेट नहीं हो सकती क्योंकि सम वर्कर्स जो हैं वो एंट्रीज गलत भी दे सकते हैं ठीक है उसके बाद अब गलत कैसे दे सकते हैं इसका मतलब है कि जैसे मान लो एक ही दिन पे वर्कर बैठा और सारे हफ्ते का कर, रिकॉर्ड करके दे दिया ठीक है वो डेली डेली फिर रिकॉर्ड नहीं करते हैं डेली टाइम शीट में तो ये हो जाता है कि वो डेली डेली रिकॉर्ड करते हैं ठीक है फिर ये जो है सुटेबल नहीं होता जहाँ पर जॉब्स जॉब्स वर्क हैपन टू बी सो मैनी जहाँ पर बहुत सारी वर्कस का काम हो रहा है यानी बहुत सारी जॉब्स का काम जो है एट अ सेम टाइम पर हो रहा हो फिर यहाँ पर जॉब कार्ड्स आ जाता है जॉब कार्ड्स और अदरवाइज नोनेस जॉब टिकट्स जो हैं और जॉब टाइम रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं वन फॉर ईच जॉब सेपरेटली हर एक पर्सन के लिए जो भी अलग अलग वो काम कर रहा है उस अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो है जॉब कार्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उन हर एक वर्कर को अलॉट कर दिए जाते हैं और उसमें क्या क्या स्टेट होता है जॉब नंबर ऑपरेशन नंबर ठीक है नेम ऑफ द वर्कर नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द जॉब टू कम, तो बी कम्प्लीटेड और स्टैंडर्ड आर्ट्स टू तो बी फिक्स फॉर डूइंग द जॉब जॉब को करने के लिए कितने स्टैंडर्ड आर्ट्स उनको गिवन है ठीक है अ वर्कर टेक्स अप द जॉब जब वर्कर जो है जॉब टेकअप करता है तो जॉब कार्ड जो है बेरिंग द जॉब नंबर उस पर जॉब नंबर लिखा हुआ होता है ठीक है और साथ ही साथ द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द जॉब यहाँ पर जो भी टाइम है जब उन्होंने जॉब को स्टार्ट किया था और जब फिनिश कर रहे हैं जॉब को वहाँ पर उस कार्ड में लिखा जाता है चाहे वो हाथों से लिखा जाए या टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के थ्रू लिखा जाए जैसे वर्कर को सही लगता है वो वैसे वहाँ पर डाल देता है ठीक है उसके बाद जैसे ही वर्कर का जो फंक्शन है वो ओवर हो जाता है तो वो कार्ड वापस निकाल लेता है और कॉस्टिंग और रिकॉर्ड से और उसके बाद उसको दूसरा कार्ड इशू किया जाता है दूसरी जॉब के लिए ठीक है अलग अलग जॉब्स होती है ना तो अलग अलग जॉब्स के लिए इशू किया जाता है फिर जो जॉब कार्ड है वो इसलिए इशू किया जाता है कि वर्क जो वर्क है वो अच्छे से हो सके ठीक है अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि किसी वर्कर ने ठीक है यहाँ से कार्ड निकाला अब उसके बाद उसको जब तक दूसरा कार्ड मिलेगा उस टाइम पर वो वो जो टाइम उसको लगेगा उस दूसरे कार्ड को लेने के लिए तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आइडल टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडियल टाइम की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है और जब अगर आइडियल टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब तो उनको जो है आइडियल टाइम कार्ड भी मेंटेन करना होगा ठीक है और फिर जो जॉब कार्ड टाइम है और जो आइडियल टाइम टेकन है उनको एक साथ टैली किया जाएगा टाइम कार्ड के थ्रू और अटेंडेंस टाइम के थ्रू टैली किया जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर फॉर्मेट गिवन है कि जॉब कार्ड को कैसे बनाया जाता है वर्क नंबर वर्क ऑर्डर नंबर नेम ऑफ वर्कर क्लॉक नंबर ड्राइंग नंबर डेट नंबर जॉब ऑपरेशन नंबर डिपार्टमेंट एंड मशीन नंबर फिर जॉब का टाइम टाइम स्टार्टेड टाइम फिनिश्ड आर्स फिर फॉर कौ, कॉस्ट ऑफिस उसके बाद रेट अमाउंट रिमार्क्स स्टैंडर्ड आर्स कितने थे एक्चुअल टाइम कितना आपने लगाया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट स्टैंडर्ड एक्चुअल पास्ट फॉर कितनी आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी उसमें से कितनी पास हुई हैं कितनी रिजेक्टेड हुई हैं कितने नेट uh, आपकी क्वांटिटी है उसके बाद यहाँ पर जो है सिग्नेचर होंगे फोरमैन के यहाँ पर वर्कर के हो जाएंगे ठीक है ये जो स्पेसीमान था सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं था ये सारी जो भी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द जॉब बिजनेस की जो है जैसी तरह अभी नीड होगी वो उस तरह से उस जॉब कार्ड को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि यही जॉब कार्ड बने इसको दोबारा से मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस ठीक है अब यहाँ पर लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो टिकट नंबर उनका नॉर्मल आर्ट्स ओवर टाइम आर्ट्स टोटल आर्ट जो भी प्रेजेंट हो रहे हैं बुक टू जॉब्स आइडियल आर्ट्स फिर परसेंटेज ऑफ आइडियल आर्ट्स और स्टैंडर्ड आर्ट्स का निकालेंगे और स्टैंडर्ड आर्ट्स टू प्रोडक्टिव आर्ट्स का निकालेंगे ठीक है लेकिन मेनली अब क्या करना है हमें आइडल टाइम कार्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखना है वर्कर का नाम क्लॉक नंबर मशीन नंबर शॉप डिपार्टमेंट नंबर और डेट ये सब लिखी जाती हैं। रीज़न फॉर आइडल टाइम किस तरह से क्यों आइडल टाइम उनका रहा वर्क की वजह से जॉब की इंस्ट्रक्शन टाइम जो जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉयर किसी इम्प्लॉय को तब बच रहा है या मटेरियल नहीं आया या टूल्स नहीं है थे या कोई अदर रीज़न हो सकता है पावर नहीं थी यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी फेलियर हो गया मशीन ब्रेकडाउन हो गई है प्रीवियस ऑपरेशन कुछ चल रहा था उसकी वजह से या कोई भी अदर रीज़न फिर यहाँ पर वर्कर का सिग्नेचर होता है सर्टिफाइड फोरमैन का सिग्नेचर होता है और कॉस्ट ऑफिस रेफरेंस का भी यहाँ पर लिखा जाता है ठीक है फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉब कार्ड्स फॉलोइंग ईच जॉब थ्रू द वर्क और सर्कुलेटिंग द जॉब कार्ड इस सिस्टम में क्या होता है जो जॉब कार्ड है उसको आप क्या बोलते हैं लेबर कॉस्ट कार्ड यहाँ पर जो है मेड आउट इन एडवांस एडवांस में बना दिया जाता है कि, कि किस तरह से ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे कि किस तरह से जो वर्कर ऑर्डर है वो इन्वॉल्व होगा यानी कि जिस तरह से वो ऑपरेशन किए जाएंगे यानी जो प्रोसेस किया जाएगा तो उस तरह से उस वर्कर की किस तरह से परफॉर्मेंस की जाएगी मतलब क्या है ठीक है आप जो है मान लीजिए आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है आप बिस्किट बनाते हैं ठीक है इस बिस्किट को बनाने में जो जो प्रोसेसेस लगेंगे तो उस प्रोसेस के हिसाब से प्रोसेस मीन्स यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑपरेशन और आपका प्रोसेस ठीक है उस ऑपरेशन के हिसाब से उस प्रोसेस के हिसाब से आप जो है जो है वर्क ऑर्डर पर वर्क पर वर्क पर ऑर्डर देंगे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन सा वर्कर परफॉर्म करेगा किस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ठीक है अब इस कार्ड में क्या क्या लिखा है? इस इस तो ताँग टेकन। ताँग टेकन के जाता है इस दिस कार्ड इज मीन टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन टाइम टेकन रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड पर उसने वेरियस ऑपरेशन किए हैं उस जॉब पर उस और उस सारे वर्कर्स ने जो भी उस जॉब में इंगेज थे यानी इन्वॉल्व थे सो so, जो कार्ड जो है प्रिपेयर किया जाता है जॉब के लिए ना कि किसी वर्कर के लिए यहाँ पर जो है इसका मतलब ये कार्ड जो है नॉर्मली जो है प्रिपेयर किया जाएगा जॉब के लिए ना कि वर्कर के लिए ये इंडिकेट करने के लिए कि, लिए कि लेबर कॉस्ट एक्चुअली में कितनी लग रही है पूरी जॉब के कंप्लीट होने के बात हेयर इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग वन कार्ड एक कार्ड को अलॉट करने की जगह वो क्या करते हैं दूसरे पर अलॉट कर देते हैं ठीक है ऑफ ऑफिंग वन कार्ड टू इच अदर यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्ड ही पास आउट किया जाता है अपने अपने डिफरेंट ऑपरेशन को राउंड ऑफ करने के लिए अब जैसे मान लो कि अगर किसी टीचर को ठीक है एक लिस्ट जो है चेकआउट करानी है ठीक है कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए है या किसी भी अदर पर्पज़ के लिए लिस्ट चेकआउट करानी है तो वो क्या करती है वो हर एक पर्सन के लिए तो अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेगी अगर चालीस स्टूडेंट हैं तो चालीस स्टूडेंट के लिए अलग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेगी वो क्या करेगी कि एक पर्सन को देगी वहाँ पर उनको चेकआउट करने के लिए बोलेगी फिर दूसरे रोल नंबर को देगी फिर चेकआउट करने के लिए बोलेगी तीसरे को देगी फिर चेकआउट करने के मतलब यहाँ पर क्या होता है राउंड बाइस चेकआउट कराया जाता है है ना इसी तरह से क्या होता है कि ये जो जॉब कार्ड है ये अलग अलग वर्सन के लिए नहीं बनाया जाता जिसको आप क्या बोलते हैं लेबर कॉस्ट कार्ड ठीक है Labor, cost, card, ये अलग अलग पर्सन के लिए नहीं बनाया जाता है इसमें जो है आप इसको क्या करते हैं दूसरे दूसरे पर्सन के पास पहुंचाते हैं एक के पास पहुंचा फिर दूसरे के पास फिर तीसरे के पास इस तरह से ठीक है ये जो है सर्कुलेट होता है इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है सर्कुलेटिंग जॉब कार्ड भी दिया जाता है यहाँ पर जो है आरस को कैलकुलेट किया के जाता है ईच वर्कर को कि कितना जॉब उन्होंने लगाया है और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है रिलेटेड टू आर रेट कि कितना एक घंटे का कितना रेट था मान लो उन्होंने दस घंटे काम करा है और एक घंटे का बीस रुपये मिल रहा है तो दस घंटे का उनको कितना मिलेगा वो चेकआउट करेंगे ठीक है उसके बाद लेबर कॉस्ट को अस करेंगे टोटल फिर जो लेबर कॉस्ट है उसको शो किया जाएगा कार्ट में और कंपेयर किया जाएगा किसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ और साथ ही साथ जो भी कॉस्ट अर्लियर उ, आ, उनकी ओकेशंस पर ली गई थी मतलब पहले से देख रखी थी तो उनको अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल किया जाएगा उन कॉस्ट को ठीक है फिर एडवांटेजेस क्या होंगे एक कार्ड जो है लेबर कॉस्ट को कंटेन करता है सेपरेट वेज जो है यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया जाता कंट्रोल करना आसान है लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जॉब रन फॉर अगर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो गई तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप रिकनसाइल कर सकें अपने अटेंडेंस टाइम को ठीक है फिर उसके बाद अगर इफ़ द वर्कर्स आर अलाउड टू एंटर देयर ओन टाइम्स अगर किसी भी वर्कर को आप खुद से बोल दें कि अपना टाइम लिख लो तो वो क्या करेंगे अपना टाइम ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि उनको जो जो रेट है वो ज़्यादा मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं uh, जो है धोखाधड़ी कर सकते हैं फिर सर्कुलेटिंग जॉब कार्ड का ये जो है फॉर्मेट है ऑर्डर नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर नंबर डेट स्पेशल डायरेक्शंस आपका ऑपरेशन नंबर डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट फिर डेट आ जाता है वर्कर नंबर स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाइड एक्चुअल टाइम ऑन ऑफ आर्स आपने कितना स्पेंड किया है कितने टाइम पर बंद कर दिया कितने घंटे किया है फिर रेट और अमाउंट मटेरियल कितना लगा फॉर्मेन का साइन और टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिख दी जाएंगी उसके बाद है कम्बाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड अब कम्बाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड में क्या है कि यहाँ पर जो है ये कम्बाइंड इंफॉर्मेशन देता है अटेंडेंस टाइम की और टाइम बुक टू द जॉब कि जॉब में कितना टाइम लगा और साथ ही साथ ये जो है आइडल टाइम भी बताता है और ऑन द वीकली बेसिस किस बेसिस पर बताता है वीकली बेसिस पर बताता है ये इसका परफॉर्मा है वर्कर नेम ग्रेड फिर है वेज रेट पर आर नंबर डिपार्टमेंट वीक एंडिंग ऑन जॉब नंबर डे क्लॉक टाइम जॉब टाइम ऑर्डिनरी टाइम ओवर टाइम आपने देखना है जॉब टाइम आइडल टाइम कितना रह गया सबका टोटल कर लेना है यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा टोटल वेजेस कितने पे किए जाएंगे कितनी डिडक्शंस मिलेंगी कि जिस टाइम पर उसने काम नहीं किया और जो भी नेट आ, आएगा वो पेमेंट की जाएगी आज हम करेंगे यहीं तक का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय